कोरोना महामारी के बीच किसी अन्य बीमारी में रक्त की जरूरत पड़ने पर समस्या ना हो, इसके चलते नगरपालिक निगम सिंगरौली के सभागार में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर, सहायक कलेक्टर सहित 29 लोगों ने रक्तदान किया। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी कलेक्टर के वी एस चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में निरंतर जन उपयोगी सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज नगर पालिक निगम सिंगरौली के सभागार में जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्त की कमी ना हो, इस उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 29 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी तथा नगर पालिक निगम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसका उद्घाटन कलेक्टर के वी एस चौधरी के द्वारा रक्तदान कर किया गया। शिविर के आयोजन में निगम के आयुक्त शिवेंद्र सिंह और रेड क्रॉस सोसाइटी के राजमोहन श्रीवास्तव की अहम योगदान रहा। शिविर में कलेक्टर ने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदान करने से किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बचाया जा सकता है। एक स्वस्थ शरीर के इंसान में लगभग 10 यूनिट रक्त होता है, जिसमें वह एक यूनिट रक्त आराम से दान कर सकता है, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से व्यक्ति रक्तदान करने से डरता है और हिचकिचाता है। हम सभी को इस बारे में जागरूक कर अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ शरीर वाले इंसान के द्वारा किए गए रक्तदान से कम 3 व्यक्तियों के जीवन को बचाया जा सकता है। कलेक्टर ने महामारी के दौरान ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने की अपील भी की। इस कार्यक्रम में डीके मिश्रा, आरडी पांडे, विवेक त्रिपाठी, डीडी मिश्रा व राजा राम केसरी ने भी रक्तदान किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।